मुंबई के आजाद मैदान में मुस्लिम लॉ बोर्ड और मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक बिल को वापस करने के लिए एक साथ आवाज़ उठा रही हैं। इन महिलाओं का राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक ही गुजारिश कर रही हैं कि ट्रिपल तलाक बिल जल्द से जल्द खारिज किया जाए। आंदोलन जो है गवर्नमेंट के ट्रिपल तलाक बिल के फैसले के खिलाफ लिया गया है। यहाँ कुरैश हमारी कुरैश नगर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बड़ी तादाद में औरतें आज़ाद मैदान में आई है और पूरे बम्बई से औरतें इस मैदान में जमा हुई है। इस बात का गवर्नमेंट को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मुस्लिम खवातीन इस बिल के हक में नहीं है, हम इस बिल के खिलाफ है। अगर गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेगी तो हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे, इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे और बड़ी तादाद में औरतें जगह जगह चप्पे चप्पे पर जमा होगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है शरीयत में मुदाखलत ना करते हुए इसके बजाय औरतों की फलाह व बहबूद की स्कीमें लाए, औरतों और बच्चों की फलाह व बहबूद के काम करें और औरतों और बच्चों की फलाह को औरतों और बच्चों की फलाह के लिए जो स्कीमें हैं उसको आम करें। हाँ, महाराष्ट्र सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो तीन तलाक का बिल पास किया गया है उसको रद्द किया जाए, उसके बजाय औरतों की फलाह बहबूद की जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट वो लाए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हायर एजुकेशन के लिए जो फीस देनी पड़ती है उन सब पर गवर्नमेंट गौर करे और मुस्लिम औरतों की जो है सरकारी नौकरियों की में मुस्लिम औरतों की तादाद बढ़ाए, इस तरह के फैसले गवर्नमेंट लाए, शरीयत में मुदाखलत ना करें। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।